top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businessmen. Big Tech, excellence with values. और इसका माध्यम बने हमारे भाई श्याम सिंह यादव जी, जो उत्तर प्रदेश राइफल शूटिंग के अध्यक्ष भी हैं। इस बात पे हम लोग बात कर रहे थे दो दिन पहले, तो माननीय पत्र जी की बात हुई। हमने कहा इस कार्यक्रम में सभी पत्रकार साथी चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी का यहाँ पर आगमन हो। उन्होंने फोन पर बात कराई और मुझे बड़ा खुशी हुई। पत्रकारिता जगत में तमाम राजनीतिक दलों से मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन पहला मौका था कि बिना हिचक जब मैंने अपना कंसेप्ट नेशनल मीडिया क्लब के बारे में उनको दो मिनट समझाया, उसके बाद ही जब उन्हें लगा कि ये संगठन क्षेत्रीय पत्रकारों के लिए काम करता है, उन्होंने कहा कि मैं इस कार्यक्रम में अवश्य आऊंगा। बस उन्होंने ये कहा कि क्योंकि मीडिया क्लब की स्थापना उत्तर प्रदेश से हुई, इसलिए इसके ज्यादातर सदस्य उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने कहा राजस्थान को इसमें जोड़िए। मैंने कहा राजस्थान के लोग आ रहे हैं, तमाम हमारे राजस्थान के जो साथी आज नेत्र मीडिया क्लब के सदस्य बने वो आए, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय मंत्री जी कि ग्रामीण पत्रकार जिनको हम लोग ब्लॉक और तहसील और छोटे शहरों के पत्रकार के रूप में जानते हैं, उनको ना तो वो अधिकार मिल पाता है और ना उनका जो आर्थिक उनका अधिकार है वो भी हो पाता है। मैं भी सारा इंडिया परिवार में राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी में टेलीविजन और अखबार का एसएसबी का एडिटर रहा, तो सभी पत्रकारों से, पूरे देश के क्षेत्रीय पत्रकारों से मुझे व्यक्तिगत रूबरू होने का मौका मिला, उनकी समस्याओं को जानने का मौका मिला। तब मैंने उनके दर्द को, उनकी समस्याओं को समझा और मैंने शुरुआत अपने यहां से की। मैंने हमारे एक साथी यहां मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं माननीय राजेंद्र द्विवेदी जी, जो उस समय एसएनबी के हेड हुआ करते थे। उन्होंने एक रिपोर्ट बना के हम दोनों लोगों ने मिलकर, माननीय उपेंद्र राय जी हमारे एडिटर एवं न्यूज डायरेक्टर हुआ करते थे उसमें, उनको दी। स्वच्छ भारत का अभियान चलाया है, उसमें पहला कोई ग्रुप है, चाहे कोई व्यवसायिक घराना हो, चाहे कोई एनजीओ हो, चाहे कोई पत्रकार का संगठन हो, जिसने स्वच्छ भारत से जुड़ने के लिए लोगों को एक मंच दिया है और पहला एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिससे वो टोल फ्री नंबर पर बात करके हमारे स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ सकते हैं। उनका पूरा डाटा रिकॉर्ड हमारे यहां रहेगा और हम लोगों ने एक माह में 1,00,000 सदस्य बनने का पढ़ लिया है पूरा नेत्र मीडिया। इसलिए मैं अपने तमाम नेत्र मीडिया को बधाई देता हूं और अभी मुझे लगता है 3 दिन ये टोल फ्री नंबर जारी हुआ है और करीब 12,000 या 13,000 इसके सदस्य बन चुके हैं। तो एक मिशन है, हम लोग स्वच्छ भारत अभियान को एक मिशन के रूप में प्रारंभ करने जा रहे हैं और मैं माननीय मंत्री जी को भरोसा दिलाता हूं, उनसे वादा करता हूं कि नेत्र मीडिया क्लब के सदस्य, उनकी टीम पूरे देश इस अभियान को एक मिशन के रूप में चलाएगी और इस मिशन में हमारे क्षेत्रीय पत्रकारों की प्रमुख भागीदारी होगी।